देखिए, ट्वेल्थ इंग्लिश ग्रामर में जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है वो सबसे पहले आपका पूछा जाता है। इसमें है क्या, जैसे है फर्स्ट क्वेश्चन, ही सैड यू आर ए स्टूडेंट, ये एक डायरेक्ट नरेशन है या डायरेक्ट स्पीच है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए, इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग कहते हैं हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं, एक तो ये ही सैड, ठीक है, जो कि इस इन्वर्टेड कामा के बाहर है, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग क्लाज। ठीक है, और जो ये आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर है यू आर ए स्टूडेंट, ये आपका है रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, ये रिपोर्टिंग क्लॉज, ये रिपोर्टेड क्लॉज, इसको मैं आपको डीपली समझाऊंगा जल्दी ही, नियम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये आपका सिंपल है, इज आर एम है। देखिए, अंदर जो आपका रिपोर्टिंग रिपोर्टेड क्लॉज है, इसमें इज आर एम का यूज किया गया है, ये कोई टेंस नहीं है। तो देखिए, ही सैड यू आर ए स्टूडेंट, उसने कहा तुम एक विद्यार्थी हो, ये प्रत्यक्ष कथन यानी कि डायरेक्ट स्पीच है। ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन, आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे, ही सैड, ठीक है, ही सैड, अब सैड के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है डैट, ही सैड डैट। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो है यू, और यू जो है ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो यू है, तो यू को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट की सहायता से, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ही सैड, उसने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा। ठीक है, तो उसने मुझसे कहा तुम एक विद्यार्थी हो, तो यहाँ पर मी हम लोग मान लेंगे। ठीक है, मी जो है कल्पना कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यू जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई, इज आर एम जो है वो वाज बियर में बदल जाता है। डायरेक्ट स्पीच में अगर इज आर एम है, तो इनडायरेक्ट में जब उसे कन्वर्ट करेंगे तो वो वाज बियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके भी कुछ नियम है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दैट आई वाज ए स्टूडेंट, देखिए आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो चुका है। सिर्फ आपको मैं कुछ चीज़ें बाद में बताऊंगा कि यहाँ पर जो प्रोनाउन है इसको हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं चेंज करते, तो ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ही सैड, बीच में डैट लगा देना है आपको, यू बदलेगा मी से, क्योंकि यहाँ पर मी है, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पर मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा, तो आई हमने लिख दिया, इज आर एम वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टूडेंट आपका ऐसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अभी समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ही सैड मैन इज मोर्टल, उसने कहा जो आदमी है, मैन है, वो मोर्टल है। ठीक है, यानी कि नश्वर है। ठीक है, तो ही सैड, उसने कहा मैन इज मोर्टल, जो आदमी है वो नश्वर है। ठीक है, यानी कि वो अमर नहीं है। देखिए, अब देखिए, ही सैड मैन इज मोर्टल, तो मैन मोर्टल है, ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है। तो एक नियम मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो हमेशा सत्य रहने वाली बातें होती हैं, उनका जो हम उनके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते। जैसे इज को हम वाज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमेशा सत्य रहने वाली बातें हैं। ठीक है, अब जैसे है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो उसको भी हम लोग, उसका जो इज है उसको हम वाज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है। तो देखिए, ही सैड मैन इज मोर्टल, उसने कहा आदमी नश्वर है, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, ही सैड, ठीक है, सैड आपका ऐसे ही रहेगा, दैट, अब मैन को हम मैन ही रहने देंगे, इज ऐसे ही रहेगा, मोर्टल भी ऐसे ही रहेगा, सिर्फ आपको दैट बीच में लगा देना है, क्योंकि जो हमेशा सत्य रहने वाली बातें होती हैं उनके हम टेंसेज में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तीसरा हमारा है, सी सैड आई लाइक माई हाउस, देखिए उसने कहा मैं अपने घर को पसंद करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर ता हूँ, ते हैं आ गया है, ये प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। तो देखिए, सी सैड आपका ऐसे रहेगा, दैट, अब आई, आई आपका है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, मैंने आपको बताया एस ओ एन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका आई है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करेंगे। तो सब्जेक्ट आपका है सी,
तो आई को जब हम बदलेंगे तो यहाँ पर सी से ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई है सब्जेक्टिव केस, सी का भी सब्जेक्टिव केस सी है, तो हम डायरेक्टली सी को उतार देंगे, ठीक है सी। अब लाइक है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका जो ये होता है ठीक है वर्ब, इसका सेकेंड फॉर्म हम लेते हैं, तो सी लाइक का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड, लाइक्ड। अब बचता है माई, ठीक है अब माई को कैसे बदलेंगे, माई है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ये आपका है, ये भी सब्जेक्ट से ही बदलेगा, लेकिन जो आपका माई है ये पॉजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का पॉजेसिव केस, ये सी से कन्वर्ट होगा। सी का पॉजेसिव केस होता है हर, ठीक है सी के लिए अपने की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, हर लिखते हैं, यहाँ पर आई के लिए माई लिखते हैं तो सी के लिए हर लिखेंगे, हाउस, ठीक है ये सब रूल मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। इसके बाद में चौथा देखिए, चौथा हमारा है ही सैड द मैन कम्स, उसने कहा आदमी आता है, ठीक है द मैन कम्स इसका मतलब आदमी आता है, ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ही सैड दैट द मैन आपका ऐसे ही रहेगा द मैन कम्स, कम्स का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे तो इसका सेकेंड फॉर्म लेंगे, कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम। तो देखिए उसने कहा दैट की द मैन केम आदमी आया, ठीक है तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं जब हम क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब। पांचवा देखिए लास्ट हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये है कि ही सैड टू मी, यहाँ पर टू मी आ गया, ठीक है ऑब्जेक्ट भी है, यस्टरडे आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, ही सैड टू मी यस्टरडे उसने मुझसे कल कहा, आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो मैं कल तुम्हारे बुक को वापस कर दूंगा, ठीक है इसको कैसे बदलेंगे, तो ही अब सैड टू को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सैड टू के स्थान पर हम टोल्ड का यूज करते हैं, ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर टोल्ड का यूज करेंगे, तो टोल्ड ही टोल्ड मी, ठीक है यस्टरडे को हम बदलेंगे द प्रीवियस डे में, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय यस्टरडे जो होता है उसको द प्रीवियस डे में कन्वर्ट करते हैं, द प्रीवियस डे, ठीक है तो ही टोल्ड मी द प्रीवियस डे। अब देखिए डैट का यूज करेंगे डैट, अब आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है ही है, अब ही के लिए हम क्या यूज करेंगे ही, ठीक है बिल आपका बदल जाएगा किस में, बिल आपका बदलेगा उड में, बिल को हम क्या करते हैं सैल को सुड में और बिल को उल्ड में बदलते हैं, ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे उड, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम बिल को उड में कन्वर्ट करते हैं, रिटर्न आपका ऐसे रहेगा। अब देखिए योर, योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, इसका पॉजिटिव केस होगा अपने की अंग्रेजी मी के लिए क्या होता है माई, ठीक है तो माई बुक। अब टुमारो को भी हम बदलते हैं किसमें, टुमारो को हम बदलते हैं द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो याद रखिएगा दो तीन चीज़ें, इसमें आपको बहुत काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, देखिए यस्टरडे को हम कन्वर्ट करते हैं द प्रीवियस डे में, टुमारो को हम कन्वर्ट करते हैं द नेक्स्ट डे में, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब, ठीक है तो ये आपका हो जाएगा ही टोल्ड मी द प्रीवियस डे डैट, यहाँ पर द मैं लिख देता हूँ, इसको आप डैट कर लीजिएगा कभी कभी, तो डैट ही वुड रिटर्न माई बुक द नेक्स्ट डे, ठीक है इस तरह से आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट।